नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम पर बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेटीएम पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में पेटीएम ऐप डाउनलोड है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में पेटीएम ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आपको अकाउंट लॉगिन करना है। अगर आप अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं तब पर भी कोई बात नहीं है, तो चलिए यहाँ पर पेटीएम पे अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पेटीएम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर से पेटीएम का अकाउंट बनाए हुए हैं यहाँ पर वह मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको नीचे में प्रोसीड सिक्योरली का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा और यहाँ से वह ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर यह जो मोबाइल नंबर है यह आपके इस फ़ोन में नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर उसका आपको कोड OTP आपको डालना होगा, तब आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो आपको अकाउंट लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी मोबाइल नंबर से आपका पेटीएम बना हुआ है उस सिम कार्ड को आपको इस मोबाइल में लगा लेना है। उसके बाद अब आपको अकाउंट लॉगिन करने के बाद पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको एक 3 लाइन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका नेम होगा यहाँ पर नेम दिख जाएगा और यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर शो करेगा। अब यहाँ पर आपको पेटीएम पे अकाउंट ऐड करने के लिए, बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिखता है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वेलकम फेस आता है, तो आपको क्या करना है कि इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए डालने के लिए यहाँ पर आपको एक रीएक्टिवेट UPI अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, कोड आएगा और यहाँ से वह ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी बैंक का नेम है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको बैंक का नाम नहीं दिख रहा है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उस बैंक को सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है, तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर से एक OTP भेजा जाएगा। OTP जाने के बाद वहाँ से बैंक ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आप पेटीएम से कहीं भी UPI कर सकते हैं और UPI से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ओके गो इट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटीएम में मेरा बैंक अकाउंट लिंक हो गया है, ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ से बैक करना है, या आप इसमें और भी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड अनदर बैंक अकाउंट पर क्लिक करके इसमें और भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, लिंक हो गया है। तो इस तरह से आप पेटीएम में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।